बैगन, बहुत सारे बैगन तो तोड़ लिए गए हैं भरता बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। देख सकते हैं ये, देखिए ऊपर है लौकी का, काफी ऊंचा ऊंचा लौकी है। देखिए एक लौकी लटक रहा है ऊपर, उधर यहाँ लंबा सा एक लौकी। इस साइड में झरना है जिसकी कलकल आवाज आती है। और ये है बद्रीनाथ की तुलसी। और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, ये है टीली। मैं गरम पानी डालती हूँ, ये मैं एक गिलास चावल है, दो गिलास पानी डालूंगी। बिल्कुल गरम है तो ये देखिए। और इस कुकर में मैं डाल दूंगी
और मैं कुकर को बंद कर दी हूँ और इंडक्शन को मैं ऑन कर दूँगी पूरी 2100 वाट पे। ठीक है, मैं चावल बना रही हूँ और इधर मैं आलू और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। जैसे कुकर में एक सीटी आता है हम कुकर को बंद कर देते हैं इंडक्शन, और इधर हम तैयारी करते हैं। मिक्सी में डालूंगी ये 2 टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक है, इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो इसका हम तेल डालूंगी, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। सरसों का तेल डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, और अब मैं इस टमाटर अदरक हरी मिर्च के पेस्ट में ऐड करूंगी धनिया पाउडर, क्यों नहीं तो मसाला जल जाएगा ना इस वजह से, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और इसी वक्त में नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इधर मैं आलू में भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो अब ये स्पाइस बॉक्स का तो काम ख़त्म हो चुका है, तो इसे मैं साइड कर दूँ। और प्लेटफॉर्म पे देखिए जब कुकिंग होता है तो कितना सामान फैला रहता है। और ये देखिए फ्रीज़र में से मैं घी के मलाई के डब्बे निकाली हूँ, इसमें मलाई, इसमें मलाई, इसमें मलाई, इसमें मलाई, और मुझे घी निकालना है। और चाय बनाने के लिए मैं दूध निकाली हूँ फ्रिज से, तो मुझे चाय भी बनाना है। तो चलिए अब सब्जी बनाते हैं। अब ये तेल गरम हो गया है तो इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। से मसालों को हम भून लेंगे और अब इसमें ये आलू को भी ऐड कर देंगे। नमक पहले से डला हुआ है मसाले में भी आलू में भी। इस तरह से मैं इसे भून लूंगी अच्छी तरह से, और लास्ट में एक और चीज ऐड करूंगी जिससे ये सब्जी का टेस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी तक तो आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू प्याज, आलू पत्ता गोभी, मैं आलू बैगन बहुत सब्जी खाए, लेकिन मैं जो सब्जी आज बना रही हूँ आप देखिएगा और कितना टेस्टी होता है। ये देखिए आलू इसके साथ भून रहा है और इस तरह से आलू भूनता रहेगा। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया, तो इसमें हम गरम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम गरम पानी ऐड करेंगे
इससे ज़्यादा पानी नहीं, इतना ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। और अब हम इसमें लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होगा, और वो क्या चीज़ है, तो वो ये है, ये कसूरी मेथी, ये मैं लास्ट में ऐड करूंगी, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। और ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। ये आलू और कसूरी मेथी की सब्जी है, आलू टमाटर और कसूरी मेथी। और आप कभी इस तरह से बनाइए और देखिए, आपका भी सब्जी बहुत टेस्टी होगा। ये मैं कसूरी मेथी डाल दी हूँ और ये हमारा सब्जी डन है। और मैं आपको राइस और सब्जी दोनों निकाल कर दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और ये राइस आप देख सकते हैं, ये राइस कितना अच्छा बना है। देखिए, गरम पानी मैं ऐड करती हूँ, और एक गिलास चावल है तो दो गिलास पानी, आप भी गरम पानी ऐड कीजिए। मैं नमक उमक नहीं डालती हूँ। और ये पुलाव वाला राइस है, बहुत अच्छा वाला राइस है। तो ये मैं कुकर में ऐसे झटपट, और जल्दी भी बनता है, तुरंत सीटी दे देता है। और ये मेरा राइस है, मैं इसे साइड कर दे रही हूँ। और ये मेरी सब्जी है, और आप सब्जी का ये कलर देख सकते हैं, इस सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। तो आप ये लीजिए मैसा, और इस सब्जी को ऐसे मैस दीजिए। और मैं तो बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ ना, आप भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं इसमें गाढ़ा करने के लिए, बट मैं आलू को ही मैस कर बना दे रही हूँ। मोस्टली आलू बैंगन में और इसमें आलू की सब्जी में, जिसमें आलू की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें मैं बेसन वसन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आलू ऑलरेडी गाढ़ा कर देता है। और इस तरह से देखिए, ये हमारी आलू और कसूरी मेथी की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे भी मैं क्लीन करूँगी अपने हाथों से। और ये आप देख सकते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल डन है। और अब मैं बंद करती हूँ इंडक्शन। और ये देखिए, मैं राइस निकाल ली हूँ, और इसमें मैं अपनी सब्जी को सर्व करूँगी। तो बस आप सब्जी देखिए, नो ऑनियन, नो गार्लिक, और ये सब्जी आलू और कसूरी मेथी की कितनी टेस्टी बनती है। आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए, और अपना जो रिव्यू है वो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अब मैं घी निकालूंगी, तो ये देखिए दूध की मलाई कितनी इकट्ठी हुई है। और मैं इस मिक्सी के जार में, आज सुबह से ही ये मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, और मैं सुबह से ही बाहर निकाल दी थी जब मॉर्निंग का टी बनाने आए थे, तो तब से ही ये बाहर है। और मैं सोच रही हूँ आज ही इसका घी निकाल दूँ, क्योंकि डब्बा खाली करना ज़रूरी है। तो मैं इस मिक्सी के जार में इसे मिक्स करूँगी पहले, उसके बाद। और देखिए, इसको भी मैं इस मिक्सी के जार में कर ली हूँ, पूरा भर गया है। बहुत दिनों का है मलाई, ये एक डेढ़ महीना, दो महीने का है ये, हाँ दो महीने, मतलब डेढ़ महीने का है। तो मैं इसे भी डाल दूँगी, और इंडक्शन को मैं ऑन कर दूँगी और कम कर दूँगी इसे मैं, ताकि अपने दम में पकता रहे। और इधर जिस बर्तन में मैं इसको स्टोर की थी, उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, वो डॉगी और बिल्ली के चावल में जाएगा। तो अब बस इसे मैं ऐसे ही डालकर मैं छोड़ दी हूँ, तब तक ये पकता रहेगा, और फिर मैं बनने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। इस बीच ये घी बनकर धीरे धीरे अपना तैयार होता रहेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको हिला डुला दे रही हूँ, 5 मिनट के लिए। और इस बीच में अपने इस प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लूँगी। ये लेफ्ट ओवर राइस और ये सब्जी है जो मैं फ्रिज में डालूँगी,
और मॉर्निंग का दाल भी है, बट इतना अच्छा सब्जी और राइस खाने का मन था मेरा, इस वजह से मैं सब्जी और राइस खाई हूँ और दाल को मैं फ्रिज में रख दी हूँ। कल मैं सांभर बनाऊँगी और मैं सोच रही हूँ इडली डोसा का बैटर भी भिगो दूँ आज, तो ये सारे काम मुझे आज करने हैं। तो आपके साथ मैं देखूँगी तो शेयर करूँगी इडली की रेसिपी, डोसा की भी, उत्पम की भी और अपम की भी। अपम की रेसिपी तो पहले भी हमारे चैनल पर है, एक साल पहले, लेकिन तो मैं ये करूँगी। और ये तो इसका ये तो टिली का है, मुर्गी और डॉगी का, और ये तो चना स्टॉक करने के लिए मैं रखी। और ये मैं दिखाऊंगी कि इतने बर्तन मुझे क्लीन करने हैं, जो मैं करूंगी गर्म पानी करके, गीजर में ऑन कर दे रही हूँ। और ये मॉर्निंग में जो दो डेक्ची की वीडियो में डाली हूँ ये वो है, इसे भी मैं जगह पे रख दूँगी। इस बीच में गीजर भी ऑन कर दे रही हूँ ताकि ये सारे चिकने घी के बर्तन हैं। और ये घी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मैं इसे छानने वाली हूँ। तो फाइनली ये हमारा घी, देखिए करीब 2 kg घी है, देख सकते हैं आप। और इतना जो वेस्टेज निकला है मावा, तो इसकी मैं बेसन की लड्डू बनाऊंगी। इसमें बेसन है और ये घी का डब्बा था, तो इसमें आटा है और ये मिक्स करके मैं बेसन की लड्डू बनाऊंगी। और ये घी देख सकते हैं, और मैं इसे अभी बाहर ही रखूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर मैं डब्बे में फिल करूंगी। और ये दूध तो मैं देख, और ये मैं बेसन और 4 चम्मच आटा का, तो ये मैं भून रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इस मावा को इसमें मिला दी हूँ, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं मधुरम मिला ली हूँ, आप या तो गुड़ मिला, भूरा मिलाइए, या तो पीसी हुई चीनी मिलाइए। और ये मैं मधुरम मिला ली हूँ इसमें, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और जब ये नॉर्मल थोड़ा हो जाएगा, अगर तो हम हाथ में इसको पकड़ सकें, तो मैं इसे किसकी लड्डू बनाऊंगी बोल दो। तो ये देखिए हमारा गुड़ का, बेसन आटा और मावा का, गुड़ का ये बहुत अच्छा, आप इसको बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, लड्डू बना लीजिए या बर्फी की तरह जमा लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसकी ना बर्फी की तरह जमा लूँ। तो ये देखिए अब मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ, घी से कर लीजिए आप अच्छी तरह। और फिर तो आप इसे अच्छी तरह से बराबर कर लीजिए। और इसमें एक हम अभी ही कट भी लगा देंगे। पीसेज आराम से निकल सके। कल के वीडियो में मैं इसका पीस निकाल कर आपको दिखाऊंगी। आज तो नहीं, बहुत लेट हो गया है आज, और आज इतनी सारे डिशेज बनाने में मैं तो 4-5 घंटे से इसी किचन में ही हूँ, और ये घी निकालने में 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। मैं थक गई बिल्कुल, और मैं रूम में जाऊंगी, सीधे आराम करूंगी। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि जब आप भी आप घी निकालें, उस बर्तन को कैसे वॉश करें, उसको भी आप चढ़ा दीजिए और गर्म पानी यहाँ कर लीजिए और इसको बॉयल होने दीजिए। ये घी का ये जो बर्तन है इसको भी डाल दीजिए, और इन सारे बर्तनों को तो मैं अब वॉश करने वाली हूँ इधर गर्म पानी से। और बस इधर देखिए इस तरह से ये बहुत जल्दी झटपट साफ हो जाएगा, ये सारे धोने में जाएंगे। थोड़ा सा ले लीजिए, और मैं इधर इडली और डोसा और अपम तीनों का बैटर एक होता है, तो ये देखिए मैं 3 गिलास चावल और 1 गिलास उड़द दाल, धुली हुई उड़द दाल जिससे दही बड़ा बनते हैं, और 1 टीस्पून, ये टीस्पून से थोड़ा
मतलब हाँ 1 टीस्पून ही। तो ये मैं मेथी दाना डाल चुकी हूँ। तो इतना मैं, ये मेरा रेसो रहता है, और ये इडली डोसा उत्पम अपम सब सबके लिए यही है। तो अब मैं इन तीनों को धोऊंगी, मतलब चावल को एक साथ धोकर अलग डेक्ची में रखूंगी, दाल और मेथी दाना को अलग, और फिर जब मैं पीसूंगी तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी, वो दूंगी और कल मैं इसे पीसूंगी। तो ठीक है, अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, और मैं 3:30 से किचन में थी। मैं इतना चीज़ बनाई, घी बनाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया, 1.5 से 2 घंटा एकदम। फिर मैं मिठाई बनाई और फिर सारे बर्तन क्लीन की घी का, फिर मैं चावल दाल बनाई, सॉरी सब्जी चावल बनाई, और डोसा का बैटर भी कोई। इतना कुछ करते करते बहुत वक्त हो गया। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।